दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द पोएट्री ऑफ अर्थ रिटन बाय जॉन कीट्स। और दोस्तों, ये एक सोनेट है, यानी कि 14 लाइन्स की पोयम है। यहाँ पर दोस्तों, द पोएट्री ऑफ अर्थ से मतलब है कि अर्थ में जितने सारे ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कंटिन्यूअसली आवाज़ निकालते रहते हैं। इफ अगर दोस्तों कोई एक ऑब्जेक्ट का आवाज़ ख़त्म होता है तो दूसरा वहीं से स्टार्ट होता है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, आप मान लीजिए कि अभी बिजली कड़कने की आवाज़ आई, तो दोस्तों जैसे ही बिजली की आवाज़ ख़त्म हुई तो सडनली फिर आवाज़ आई चिड़िया की चहचहाने की। तो दोस्तों यहीं पर पोएट हमें बताना चाहते हैं कि अर्थ में जो म्यूज़िक है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल दोस्तों हमें पोएट दो कीड़े की एग्जाम्पल को लेकर बताते हैं। उसमें से दोस्तों एक है ग्रास हॉपर और एक है क्रिकेट। तो दोस्तों ये जो क्रिकेट है ये स्पोर्ट वाला क्रिकेट नहीं है दोस्तों, ये क्रिकेट एक कीड़ा होता है। आप यहाँ इसका इमेज देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की हमारी ये पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। तो दोस्तों पहले लाइन में पोएट कहते हैं कि अर्थ में जितने सारे ऑब्जेक्ट की आवाज़ आती है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, ये जो पोएट्री ऑफ अर्थ है ये अर्थ में जो म्यूज़िक की आवाज़ें आती है तरह तरह के चीज़ों से, उसी के बारे में यहाँ कहा गया है। When all the birds are faint with the hot sun। तो दोस्तों यहाँ जो faint है इसका मतलब होता है परेशान। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि जब सभी चिड़िया परेशान हो जाती है गाना गाते गाते गर्मियों में, मतलब कि सूरज के गर्मी के कारण, एंड हाइड इन द कूलिंग ट्रीज। दोस्तों यहाँ कूलिंग ट्रीज मतलब है घोंसला। तो पोएट कहते हैं कि जब सभी चिड़िया परेशान हो जाते हैं गाना गाते गाते गर्मियों में, तो वो फिर जाकर अपने घोंसले में छुप जाते हैं। अ वॉइस विल रन। तो यहाँ कहा गया है दोस्तों, जो बर्ड्स है वो तो घोंसले में जाकर गाना गाना बंद कर दिए हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी एक आवाज़ चलती रहती है। फ्रॉम हेज टू हेज, मतलब कि दोस्तों एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक। अबाउट द न्यू मॉर्न मीड, मतलब कि अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आवाज़ निकालता है, और वो कौन ऑब्जेक्ट है? डैट इज़ द ग्रास हॉपर। वो दोस्तों है ग्रास हॉपर। ही टेक्स द लीड, मतलब कि अब ग्रास हॉपर आवाज़ निकालता है। इन समर लग्जरी, और ग्रास हॉपर को इस समर में आराम लग रहा है, यानी कि दोस्तों उसको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। दोस्तों समर में क्यों इसे अच्छा महसूस हो रहा है? क्योंकि दोस्तों जो ग्रास हॉपर होता है वो सिर्फ गर्मियों के मौसम में निकलता है। ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स। इससे पहले यानी कि समर से पहले ग्रास हॉपर ने कभी भी आवाज़ नहीं निकाला और ना ही उसे आराम मिला। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो ग्रास हॉपर है वो तो समर सीजन में ही आता है ना, तो इसीलिए। और ये जो विथ हिज डिलाइट्स है इसका मतलब है कि जो ग्रास हॉपर है वो खुशी से, यानी कि वो अपनी मर्जी से गीत गाता रहता है। फॉर वेन टायर्ड आउट विथ फन, लेकिन जब वो ग्रास हॉपर थक जाता है इस मज़े से, यानी कि गाना गाते गाते जब वो ग्रास हॉपर थक जाता है। ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड। तो दोस्तों ये जो वीड है इसका मतलब होता है घास। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि जब ग्रास हॉपर थक जाता है तो अब वो आराम करने के लिए घास के नीचे छुप जाता है। दी पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। तो दोस्तों ये जो सीजिंग है इसका मतलब होता है स्टॉप, यानी कि रुकना। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि ये जो ग्रास हॉपर है ये तो थक के रुक जाता है, लेकिन अब भी जो ऑब्जेक्ट की आवाज़ें आती है वो नहीं रुकता।
ऑन अ लोन विंटर इवनिंग। दोस्तों यहाँ रुककर मैं इस लोन विंटर इवनिंग के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों क्योंकि ये पोएम का जो थीम है वो इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड में क्या होता है दोस्तों, ठंड के टाइम इंग्लैंड के जो लोग हैं वो शाम से पहले घर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर वो नहीं जाएंगे तो वो बर्फ़ में अटक जाएंगे। तो अब विंटर आ गया है, यानी कि समर चला गया और विंटर आ गया। लोन विंटर इवनिंग यानी कि एक सुनसान सी शाम हो गई है। व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रॉट अ साइलेंस। दोस्तों फ्रॉस्ट मतलब होता है ठंड, तो यहाँ पोएट कहते हैं कि ठंड के कारण जो ग्रास हॉपर था वो चुप हो गया है और यहाँ पूरा साइलेंस यानी कि यहाँ चुप्पी छा गई है। From the stove there shrills the cricket song in warmth increasing over। यहाँ रुक कर दोस्तों पहले मैं एक बात बता दूँ, इंग्लैंड में दोस्तों ठंड में क्या होता है, लोग जो है वो अपने घर में एक स्टोव जलाते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि वो जो कीड़ा है क्रिकेट जो स्टोव के पीछे रहता है क्योंकि मौसम सर्दी की है और वो वहाँ पर छुपा हुआ है और आराम कर रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही स्टोव में आग जलता है तब गर्मी आ जाती है, तो अब जो क्रिकेट है वो अब उस गर्मी को सह नहीं पाता है और वो वहाँ से हट जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कीड़े को यानी कि क्रिकेट को ठंड पसंद है, तो जैसे ही गर्मी आई वो वहाँ से हट गया और वो बाहर जाकर अपने गीत को गाता है। एंड सीम्स टू वन इंड्रोजिनस हाफ लॉस्ट द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स। तो दोस्तों जैसा कि बेसिकली होता है कि ठंड में इंसान को बहुत नींद आती है, तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि घर के लोग आधी आधी नींद में होते हैं और उनको लगता है कि बाहर अभी भी ग्रास हॉपर गा रहा है, लेकिन दोस्तों वो ग्रास हॉपर नहीं है, वो क्रिकेट है जो इस घर से निकलकर बाहर ठंड में जाकर गा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पोएम एंड होता है। और दोस्तों क्लास 12 की मैंने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया है, अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर ले।